शुक्रिया। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल बेसिक शिक्षा मंत्री जी से था कि क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि हमारे जो प्राथमिक स्कूल हैं, ऐसे कितने स्कूल हैं जहाँ पे सिर्फ एक दो कक्षाएं हैं और उनमें ही सारी क्लासेस चल रही हैं। तो उनका जवाब आया था कि जी हाँ, हमारे यहाँ एक दो ही कक्षाओं में पूरी क्लासेस को चलाया जा रहा है। और ये जवाब स्वयं में ही जनता को बड़ा ठगा हुआ महसूस होता है अध्यक्ष जी। और साथ ही साथ शिक्षा की इतनी सारी बातें हुई और उसके बाद भी जब एक दो कक्षाओं में ही सारी क्लासेस को चला रहे हैं, तो ये सरकार की तरफ से एक इस तरीके का भी प्रोजेक्शन है कि आप शिक्षा को लेके कितने जागरूक हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से, जबकि उन्होंने ऑलरेडी ये बता दिया है कि ना तो सरकार के पास बच्चों के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ ही साथ उनको सम्मानजनक तरीके से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकांश जगहों पर बच्चे आज भी टाट पट्टी पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, चाहे वो भीषण गर्मी हो, चाहे वो ठंडी हो, चाहे बरसात, और अधिकांश जगह की जो इमारतें हैं वो जर्जर हो चुकी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि मुझे डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया है, सिर्फ जी हाँ बोल करके बताया गया है कि हमारे पास कम क्लासेस हैं और उन्हीं एक दो क्लासेस में सारी की सारी क्लासेस को चलाया जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपके पास प्रॉपर डेटा है कि हमारे पास प्रदेश में कुल कितने स्कूल्स हैं जहाँ पे हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है, एक दो या तीन क्लासेस में ही पूरा का पूरा स्कूल है जिसको चलाया जा रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि कितने प्राथमिक विद्यालय हैं जिनके इमारतों की जो सिचुएशन है वो जर्जर हो चुकी है, उसका क्या डेटा आपके पास है और उसको आप कब तक ठीक करा देंगे? और जब तक आप उसे ठीक करा रहे हैं तब तक के लिए बच्चों के लिए क्या वैकल्पिक तौर पे कोई आपने सुविधा या कोई इंतज़ाम किया है? क्योंकि उन बच्चों का जो समय है जब तक आपकी इमारतों को बनाया जाएगा वो व्यर्थ होगा। और उसके साथ ही मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कोई मानक है जिस अनुसार से बेसिक जो आपके स्कूल्स हैं उनको बनाना चाहिए? तो अगर है तो उस अनुसार पे आप कब तक उत्तर प्रदेश के सारे स्कूलों को बना देंगे? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विद्यालयों में जो कक्षों को लेकर के अपनी चिंता जताई है, वर्तमान में प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के जितने भी विद्यालय हैं, हर एक विद्यालय में प्रदेश सरकार के द्वारा आमूलचूल परिवर्तन को लेकर के आया गया है। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत अगर हम 2017 से पहले के विद्यालयों की स्थिति को देखें और आज की 2017 के बाद के आज के विद्यालयों की स्थिति को देखें, तो मिशन कायाकल्प के अंतर्गत 19 पैरामीटर्स पे आज हमारे परिषदीय विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और हर एक मूलभूत सुविधा के साथ जोड़ने की व्यवस्था की गई है। हमारे विद्यालयों में, परिषदीय विद्यालयों में, जहां बच्चों के लिए टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं थी, क्लासरूम तो बहुत बड़ी बात है लेकिन बच्चों के लिए विद्यालय में ना पीने की पानी की व्यवस्था थी ना टॉयलेट की व्यवस्था थी, आज हर एक सुविधा को परिषदीय विद्यालयों में पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में किया गया है। जहां तक बात है, माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि ऐसे विद्यालय हैं जहां पे जर्जर भवन है और जर्जर भवन होने के कारण इसकी प्रक्रिया पहले से ही गतिमान है, ऐसे जर्जर भवनों को चिन्हित करके उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है और बच्चों के लिए जो उन विद्यालयों में जर्जर भवन थे तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है, बच्चों के पठन पाठन का कार्य कहीं पर भी बाधित नहीं हो रहा है। और ऐसे जितने भी अभी विद्यालय हैं प्रदेश भर में, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा है स्थिति है कि बच्चों की जो छात्रों की संख्या है कई जगहों पे विद्यालयों में बात नहीं करें आपस में कुछ, क्योंकि हर एक गांव में विद्यालय की व्यवस्था बनाई गई है तो 50 से लेकर के 60 तक बच्चे, कई इस तरह के विद्यालय हैं जहां पे 50-60 बच्चों की संख्या है, तो वहां पे एक दो कमरों में या फिर एक कमरों में मेरे पास संख्या है प्रदेश भर में, जिन पे आगे भी अभी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश भर में लगभग 823 अभी ऐसे हमारे विद्यालय हैं जो हमारे एकल कक्ष में चल रहे हैं और 8160 हमारे ऐसे विद्यालय हैं जो दो कक्ष में चल रहे हैं, लेकिन इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या बहुत कम है और पठन पाठन का कार्य किसी तरह से बाधित नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पर भी इन विद्यालयों में
कक्षों की पूरी मानक पूरे मानकों के अनुसार कक्ष को बनाया जाए, स्वच्छता वहां पे रहे, टॉयलेट रहे, पीने का पानी रहे, 19 पैरामीटर्स पे जो हमारी सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसकी कार्रवाई गतिमान है और लगभग अधिक से अधिक 90% से भी अधिक हमारे विद्यालयों को इनके सारी 19 पैरामीटर्स पे पूरा कर लिया गया है। आने वाले समय में इन सारी चीजों को भी पूरा करके हम शिक्षा के बेहतर स्तर को प्रदान करने में अपना पूरा योगदान देंगे। डॉक्टर राजनिक, और मैं इस पे आदरणीय मंत्री जी से ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप कह रहे हैं कि सारे पैरामीटर्स पे हमारी सरकार और आपकी सरकार में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, अगर हम प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों की बात करें, तो क्या सरकार इस बात पे राजी होगी कि हम एक कमिटी का गठन करके, जिसमें हमारे मेंबर्स पक्ष के भी हों और विपक्ष के भी हों, एक निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण करके देखा जाए कि वो स्कूल्स की क्या सिचुएशन है, चाहे वो क्लासरूम्स हो, बेसिक सैनिटेशन हो या आपके जो भी पैरामीटर्स हों, और उसको यहाँ पे रखा जाए। और ये सर सिर्फ आलोचना का विषय नहीं है, ये एक बेटरमेंट की तरफ हमें लगता है कि सरकार को ये कदम आगे बढ़ाना चाहिए, एक कमिटी का गठन करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगी कि ये इसका उत्तर दें। साथ ही साथ जो भी अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, जो तैनात हैं, उनको हेल्थ या मेडिकल फैसिलिटीज नहीं उपलब्ध हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से उसका भी अनुरोध करूंगी कि जिस तरीके से बाकी विभागों में टीचर्स को हेल्थ का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे भी कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा को प्रोवाइड किया जाए। ये दो क्वेश्चन के आंसर टीचर्स के लिए पूछा, और सर साथ ही साथ कमेटी के लिए भी। टीचर्स के लिए और कमेटी के लिए। एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, अरे रुकिए ना, जवाब आने, अरे आप जबरदस्ती खड़े हो जाते हैं, आप हर क्वेश्चन में खड़े हो जाते हैं ना, अरे ये जो जिसने प्रश्न